हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये मेरा स्टोक है जो ड्राई हो गया है अच्छे से प्रॉपर। ये ड्राई मैंने इसलिए किया है, ये दो बार ड्राई हो चुका है क्योंकि इसको मैंने क्रंची नहीं किया था, छोड़ दिया था। ये बहुत क्रंची है तो अब मैं इसको प्रॉपर वाले स्टोक में ही डालूंगी। ये मेरा पॉपकॉर्न का बॉक्स। बहुत जगह है वाइट वाले बॉक्स में, बहुत जगह है। पहले मैं वाइट स्टोक रीअरेंज कर लूं, फिर उसके बाद दूसरा। बस वाइट का ब्रोकन अनशिप्ड, अनशिप्ड इसमें आ ही नहीं रहा है। ये ब्रोकन लेयर है अनशिप्ड की और ये क्लीन भी नहीं हुई है, लेकिन मैं फिर भी इसको ब्रोकन में रख रही हूँ। और ये आएगा नहीं, ये वाला जो अनशिप्ड है ये किसी भी डब्बे में नहीं आएगा। अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रखूंगी, फिर मैं इसको पॉलीथीन में रैप करके बिगेस्ट सेलिंग स्टोन जहाँ पे रखती हूँ ना वहाँ पे रखूंगी। अब मैं अपना ये वाइट वाला बॉक्स बंद कर दूँ। रेड आइटम में से अब मुझे थोड़ा सा ब्रोकन निकालना पड़ेगा और ब्रोकन वाले बॉक्स में पहुंचा दूंगी, क्योंकि इसमें ना फिर रेड आइटम आएंगे नहीं, टूट जाएंगे। ये बिगेस्ट सेलिंग स्टोन के पार्ट मैंने इसमें रखे हुए थे, देखो इसको नहीं निकाल रही। ये हमारी किटकैट 1 2 3 4 5, 5 किटकैट है। ये देखो ये टूट जाएगा दब के, अब पता नहीं बचेगा कि टूटेगा। डब्बे में तो रखना पड़ेगा, नहीं तो अर्दीनेस चली जाएगी और मेरे कमरे की जो खुशबू है वो इसमें मिक्स हो जाएगी। पर रख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ। ये डन, ब्लैक। इसकी चोंच टूट गई थी, क्लीनिंग वीडियो में आप देख सकते हैं। और ब्लैक भी डन। ये ब्रोकन रेड, ब्रोकन ब्लैक। ये रेड स्लेट का पाउडर है, आप प्रिपरेशन वीडियो देखेंगे अंजलि ढाका न्यू चैनल पे तो आपको पता चल जाएगा मैंने कहाँ से निकाला है। खैर, ये ब्रोकन रीअरेंज कर लेती हूँ मैं ब्रोकन के बॉक्स में। देखो ये ब्लैक, ये ब्लैक और ये सब रेड, इसी में डाल रही हूँ। करेंगे किसी दिन इसका भी रीअरेंजमेंट, अलग अलग करेंगे, ब्रोकन अलग सही सलामत। और ये जो रेड स्लेट पाउडर है इसको, ये क्लिपबोर्ड का बेस पार्ट ना बहुत हार्ड है, लेकिन ये ऑनलाइन वाला क्लिपबोर्ड है और मेरी आदत ख़राब है, मैं फेंकती कुछ हूँ नहीं, सारा स्टोक इकट्ठा करती रहती हूँ, चाहे वो बेकार हो चाहे वो सही सलामत हो चाहे वो कुछ भी हो। देखो ये अब मैं ये भी इसके अंदर रख दूँगी और इसको ऊपर से ढक दूँगी, इसको मैं ढक दूंगी ऊपर से, इसी का ढक्कन लगा दूंगी, ना तो इसकी अर्दीनेस जाएगी। ये नीचे वाइट स्लेट का पाउडर है, ये नकुमट का पाउडर है, पाउडर नहीं है ये क्रम्बल्स है, और ये भी क्रम्बल्स है, ये रेड स्लेट आइटम का क्रम्बल्स है, तो किसी की भी अर्दीनेस नहीं जाएगी। मैं ढक्कन से इसको ढक दूंगी इसके ऊपर। सो डन, रीअरेंजमेंट स्टोव की हो गई है डन एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।